हेलो गाइस, मेरा नाम निकेत है। आज मैं आपको जो वीडियो बताने वाला हूँ वो कंप्यूटर हार्डवेयर के रिलेटेड है। अभी जो कंप्यूटर हार्डवेयर हार्डवेयर इंजीनियर जो रहते हैं वो जनरली कंप्यूटर को तो आसानी से रिपेयर कर पाते हैं, लेकिन वो कभी कभी कुछ जगह पर अटक जाते हैं जो कि मेन है डिवाइस ड्राइवर्स। अभी ये डिवाइस ड्राइवर है क्या? आपने शायद बहुत सारी जगह पर सुना रहेगा डिवाइस इसका ड्राइवर का प्रॉब्लम है, इसका ये इशू है, इसका वो इशू है। जिन्हें ड्राइवर की वजह से अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो आपका काम रुक जाएगा। लेकिन गाइज, मैं आज को जो सोल्यूशन बताऊंगा, आप विदाउट इंटरनेट चाहे कोई भी पीसी रहने दो, आप ड्राइवर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी वीडियो में आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी सबसे पहले तो किसी के शायद मालूम नहीं रहेगा कि डिवाइस ड्राइवर्स है क्या। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लो कि आपने कार खरीदी, कार को चलाने के लिए जैसे ड्राइवर की जरूरत पड़ती है ना, वैसे कंप्यूटर में हर कंपोनेंट एक कार है, उसको चलाने वाले एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं। मान लो मैंने एक प्रिंटर लिया बाजार से या वेब कैमरा ले लिया, मैंने कंप्यूटर में लगाया, डायरेक्ट चालू हो जाएगा क्या? नहीं, चालू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा और उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर देखते कहां पर है आपके कंप्यूटर में। तो सिंपल सी जगह है, माई कंप्यूटर राइट क्लिक मैनेज में जाइए। ये मैनेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके कंप्यूटर का हर मैनेजमेंट चीज वाला, हर चीज़ का मैनेजमेंट आप यहाँ से बेसिकली कर सकते हैं। तो मैं आज जो आपको बता रहा हूँ, ये ड्राइवर्स यानी ऑफलाइन ड्राइवर्स तुम कैसे इंस्टॉल करोगे, कोई भी पीसी रहने दो या लैपटॉप रहने दो, वो अपने आप ढूंढेगा कि इसमें कौन से ड्राइवर की जरूरत है, उसको आप इंस्टॉल करके देगा। लेकिन सबसे पहले आप समझो कि ड्राइवर्स आप देखोगे कहाँ से, कि इस पीसी में कौन से ड्राइवर की कमी है या इस पीसी में कौन ड्राइवर सब सही है कि नहीं, वो कैसे देखोगे? तो उसके लिए मैंने क्या किया, माय कंप्यूटर को राइट क्लिक किया, मैनेज में गया हूँ। इधर डिवाइस मैनेजर नाम का एक ऑप्शन आता है। डिवाइस मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मुझे सब बैटरी है, लैपटॉप पे चल रहा है तो बैटरी दिख रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, हार्ड डिस्क है, डिस्क ड्राइवर है, हार्ड डिस्क का ड्राइवर है, डिस्प्ले ड्राइवर है, डिस्प्ले का ड्राइवर है, तो ये ATR रेडॉन एक्सप्रेस ड्राइवर है, जो मेरे रेडॉन कंपनी का समझो उसके अंदर कार्ड लगा हुआ है उसका ड्राइवर्स डाला हुआ है। सो इस तरह से डिस्प्ले ड्राइवर का ये ड्राइवर्स है, ऐसे हर चीज़ का ड्राइवर, नेटवर्क अडेप्टर, तो उसके अभी इसमें वायरलेस भी है, यानी वाईफाई भी चल रहा है और रियल टाइम यानी लैंड कार्ड भी चल रहा है। सो तो ये क्या करता है, उसके ड्राइवर्स की बात है, यानी इसके ड्राइवर्स मिल चुके हैं इसको। लेकिन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो ये जो है अभी जो ये पीले कलर का निशान दिख रहा है, अननोन डिवाइस दिख रहा है, यानी उसके ड्राइवर्स उसको नहीं मिले हैं, ये आपको दिखा रहा है। तो अभी लैपटॉप में मान लो कि कल उठ के आप किधर 20-25 किलोमीटर दूर गए एक लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए, या विंडोज़ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उधर सॉल्व करने गए, और उधर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है सबसे पहले तो बड़ी बात, और आपने देखा कि मेरा पीसी तो सब एकदम बढ़िया चल रहा है लेकिन उसको लैन कार्ड का ड्राइवर नहीं है, इसकी वजह से नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अभी लैन कार्ड का ड्राइवर नहीं है तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा या पीसी को एक्सेस भी नहीं मिलेगा, तो कैसे चलाएगा आप? तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप आराम से, खाली जरूरत इतनी पड़ेगी आपके पास 16 GB का एक पेन ड्राइव खरीद लो, उसके जरिए आप उसको रिपेयर कर सकते हो। सिंपल कैसे, तो देखो सिंपल, सबसे पहले आप इंटरनेट यानी आपके घर पे इंटरनेट रहेगा तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम के जरिए गूगल में चले जाओ। ये गूगल एक ऐसा अच्छा सर्च इंजन है जहाँ पर हम लोग जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले जो सर्च करूँगा वो देखो, मैंने जस्ट गूगल चालू हो रहा है, यहाँ पे आपको खाली सिंपल सा लिखना है, ड्राइवर पैक, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, ये सिंपल आपको लिखना है गूगल में, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, और गूगल सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा ये DRP.SEO करके कुछ, तो भी एक फाइल मतलब एक आपको साइट मिल जाएगा, उसको आप क्लिक कीजिए। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एक नया साइट चल हो जाएगा जिसका नाम है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन करके एक साइट चालू हो गया, DRP ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर मान लो कि जिस लैपटॉप में आप डाल रहे हो उसके अंदर ऑनलाइन अगर सॉल्यूशन का अगर नेट अवेलेबल है तो ऑनलाइन में जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं।
नहीं तो अगर घर पे से पहले से आप तैयारी करके जाना चाहते हो तो नीचे जाइए। नीचे यहाँ पे दो वर्जन है जो कि दोनों फ्री है। एक जो है ट्रेवस पैक ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन यानी नेट के जरिए सॉल्यूशन करेगा, जो खाली 2 MB का ही है। उससे ज़्यादा आपको पेन ड्राइव या कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं। नेट चालू करो, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन में जाओ, ये डाउनलोड करो और आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन वहाँ पे चालू हो जाएगा। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे कि मैंने बताया 16 GB का एक पेन ड्राइव खरीद लो और यहाँ पे ड्राइवर पैक फुल करके फ्री है, उसको डाउनलोड कर दो। ये क्या होता, ये क्या करेगा, एक ISO इमेज जो है ना वो ले लेगा नेट से और आपके डेस्कटॉप में आकर कंप्यूटर में सेव कर देगा। ओके चलिए ये देखते हैं, ये तकरीबन 10.2 GB या 11 GB के आसपास का है। चलिए देखते हैं हम लोग। डाउनलोड फुल मैंने क्लिक कर दिया, डाउनलोड फुल क्लिक कर दिया तो यहाँ पे डाउनलोडिंग देखो अब चालू हो गया। ये तो देखो कितना फटाफट हो रहा है, लेकिन ये पूरा ड्राइवर का पैक नहीं है, खाली ऑफलाइन का एक टॉरेंट फाइल आ गया है। एग्जैक्टली टॉरेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए टॉरेंट डाउनलोड, बिट टॉरेंट ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके जरिए हम लोग कोई भी पैकेज को अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल इसमें करना क्या है, मैं बिट टॉरेंट चालू करता हूँ, यानी टॉरेंट फाइल मैंने डाउनलोड किया है। अभी क्या करता हूँ, मेरा बिट टॉरेंट है उसमें जाता डालता देता हूँ ये फाइल। ओके ये बिट टॉरेंट मैंने चालू कर दिया, मैं कंप्यूटर में गया, डाउनलोड्स में गया, अब देख सकते ये फाइल आया है मुझे, तो मैं पकड़ा बिट टॉरेंट में गया और यहाँ पे छोड़ दिया। सो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक उसका पूरा ड्राइवर पैक जो कि है 11.7 GB का, ये पूरा मैंने डाउनलोड करने रख दिया। ये बोलता है कि आपके कंप्यूटर में जगह नहीं है वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में हालांकि कम हार्ड डिस्क स्पेस है इसकी वजह से वो दिखा रहा है। भाई ठीक है भाई, करो इंस्टॉलेशन। मैं फिलहाल यहाँ पे तो स्टॉप कर देता हूँ, उसको रिमूव कर देता हूँ। आप इसको पूरी तरह से कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसके लिए मैं इसको स्टॉप कर दिया। आप देखेंगे तो अल्टीमेटली इस टाइप का आपको फोल्डर दिखाई देगा, यानी फाइल आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, तो माई कंप्यूटर डाउनलोड्स के अंदर आप देखोगे तो इस टाइप का एक ISO इमेज फाइल यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये ISO इमेज फाइल होने की वजह से आप इसको कहाँ से भी आसानी से कैरी कर सकते हैं, यानी पेन ड्राइव में समझो आप डाल दो, उसके बाद में हो सके तो उसको एक्सट्रैक्ट करके ही डाल दो। अभी एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, इमेज फाइल डायरेक्टली तो रन नहीं होगी, इसके लिए क्या करने का, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, इसमें ना एक मैंने सॉफ्टवेयर डाला स्मार्ट प्रोजेक्ट करके, स्मार्ट प्रोजेक्ट्स, उसमें ISO बूस्टर। ये ISO बूस्टर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग इमेज फाइल को या ISO फाइल को हम लोग खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब ये कैसा है, जो इमेज फाइल जो मैंने बताया ना, वो एक टाइप का क्लोज फाइल है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, अल्टीमेटली सबको बना के एक पैकेज बना के डाल दिया है। अब ये क्या करेगा, पूरे चीज सब चीज़ को ओपन करने का काम करता है, ISO बूस्टर या ISO बर्नर, जो 2-3 सॉफ्टवेयर, ऐसे कई हज़ारों सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप कर सकते हैं। मैंने एक आपको एक एग्जांपल दिया है, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया ड्राइवर पैक। ओके और मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना दिया ऑल इन वन ड्राइवर करके, इस फोल्डर के अंदर मुझे ये सब फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर दो। तो राइट क्लिक करूँगा, एक्सट्रैक्ट कहाँ पे करना है, तो मुझे समझो डेस्कटॉप पे ऑल इन वन जो फोल्डर है उसके अंदर मुझे एक्सट्रैक्ट कर लें। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम ज़्यादा है, 11.7 GB का है, तकरीबन 12 GB के आसपास का डेटा है। सो मैंने पहले ही एक्सट्रैक्ट कर दिया है, तो ओके दबा देना है तो एक्सट्रैक्शन चालू हो जाएगा। तो ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद कुछ आपको इस तरह से दिखाएगा, एक फोल्डर दिखाई देगा ड्राइवर पैक 17.3, उसके अंदर ये सब फोल्डर रहेगा। एग्जैक्टली इसमें दूसरा कुछ नहीं करना है। अभी क्या करना है, जिस पीसी में, मान लो कि मैं 20 किलोमीटर दूर गया, मैंने आपको बताया एग्जांपल कि वहाँ पे नेट नहीं है कुछ नहीं है और ड्राइवर्स का प्रॉब्लम हो गया, तो दूसरी बार वापस 20 किलोमीटर नहीं जाने पड़े, इसके लिए ये इतना खाली फोल्डर आप कॉपी करके तुम्हारे पेन ड्राइव में साथ में लेकर जाओ। ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, जस्ट इसको ओपन करता हूँ और ड्राइवर पैक नाम का एक ऑप्शन है, मैं फिलहाल यहाँ पर मेरा एंटीवायरस बंद कर देता हूँ सो देट ये आसानी से मूव कर सके और आसानी से चल पाए। तो एंटीवायरस से क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी बंद कर देता है, ये फाइल ही उड़ा देता है क्योंकि EXE फाइल है ना इसके लिए। तो मैंने ड्राइवर पैक करके सॉफ्टवेयर को रन किया और जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चालू होगा, 1-2 मिनट लोडिंग प्रोग्राम आ गया। ये लोडिंग प्रोग्राम के जरिए मतलब वो अभी क्या कर रहा है फिलहाल, ये ड्राइवर पैक सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, कि मेरे लैपटॉप को वो पूरी तरह से टेस्ट कर रहा है कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा नहीं है, कौन से डिवाइस ड्राइवर्स है, कौन से नहीं है, ये उसको पूरा चेक कर रहा है। अभी मैंने तो आपको बता दिया था कि ये मेरा नहीं है,
चले इसको मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है, ढूंढ के बताता ही है। हालांकि इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं आपको पूरी प्रोसेस एकदम अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो भले लेंदी हो रहा है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ उसके अंदर पूरा डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ। और यकीन माने बहुत 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 सिंपल सॉफ्टवेयर है, बहुत काम का सॉफ्टवेयर है, सिंपल। कोई भी ड्राइवर का इशू है, हाँ इसमें प्रिंटर या जो वेब कैमरा उसके ड्राइवर्स नहीं आएंगे, लेकिन जो रिक्वायर्ड पीसीज के जो सॉफ्टवेयर जैसे साउंड का प्रॉब्लम, लैन का प्रॉब्लम, डिस्प्ले का प्रॉब्लम, ये टाइप के सभी प्रकार के जो पैकेज यानी सॉफ्टवेयर है इसमें उपलब्ध है। सो इसका सॉल्यूशन आपको आराम से इसमें मिल जाएगा। ओके तो अगर प्रिंटर विंटर की दिक्कत है तो आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी, या अलग से आप वो पेंड्राइव में डालते जाओ जो जो रिक्वायर्ड है, और आपका काम आसान हो जाएगा। ओके अभी लोडिंग हो रहा है प्रोग्राम। हालांकि मेरे लैपटॉप में बहुत सारे टास्क चालू रहते हैं तो इसकी वजह से लैपटॉप बहुत ही स्लो चल रहा है फिलहाल। ओके सो जब तक लैपटॉप ये प्रोसेस हो रहा है, यानी एग्जैक्टली अभी क्या कर रहा है ये ड्राइवर पैक मेरे पूरे कंप्यूटर को टेस्ट कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो है। टेस्टिंग में क्या करेगा, मेरे कंप्यूटर में जो मौजूद सॉफ्टवेयर है उसको भी एक बार चेक करेगा, देखेगा कि भाई उसमें कोई और रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है के डालने जैसे है, या मेरे हर एक ड्राइवर को चेक करेगा कि इस ड्राइवर के अंदर मतलब कोई अपडेट आया है कि नया, उसको भी चेक करेगा, या ये ड्राइवर नहीं है इंस्टॉल तो उसको भी चेक करेगा। इसलिए ये प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम रहता है। सो मतलब उसको टाइम देंगे, उसको कुछ आप बीच में हिलाई मत, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हाँ देखो अभी हो गया, अभी देखो क्या लिख के आया, ऑटोमेटिकली डिवाइस सर्च एंड इंस्टॉलेशन, ये ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर टू बी अपडेटेड एंड इंस्टॉल वेयर फाउंड 8, यानी 8 चीज़ें ऐसी मिली है जो कि आपके कंप्यूटर में डालने के लायक है। ओके मतलब ज़रूरत है आपके कंप्यूटर को उसकी। चलो इसको और थोड़ा अच्छा तरह से इलेबरेट करते हैं, एक्सपर्ट मोड में जाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा तो डायरेक्ट इंस्टॉल करना चालू कर देगा, वो दिखाएगा नहीं कि क्या इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्सपर्ट मोड किया तो यहाँ पे दिख रहा है। देखो पहले तो मैं ड्राइवर्स को सर्च करो, ये देखो 3 टिक मार्क यहाँ पे दिखा रहा है। अभी ये जो है ये एकदम सही है बता रहा है, ये मतलब पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टिक मार्क्स है नहीं, ये ऑलरेडी सब सही है, लेकिन इसके मतलब ये सॉफ्टवेयर के मुताबिक ये 3 सॉफ्टवेयर मुझे डालना बहुत ज़रूरी है। ये जो 3 सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एक मॉडेम HDA मॉडेम का है, फिर दूसरा जो ATA ड्राइवर कंट्रोलर का है, और दूसरा है ATA रेडॉन का है। सो ये अगर मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा, ये देखो ये दोनों अपडेट करने पड़ेंगे और ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अननोन डिवाइस करके माय कंप्यूटर राइटलिंग मैनेज में, तो शायद ये रहेगा, उसने ढूंढ लिया है उसका खाली ड्राइवर, मैं यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। और ये दोनों तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन ये इसका अपडेट मिल रहा है उसको, तो हम लोग चाहे तो उसको डाल सकते हैं। मैं इसको भी अपडेट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने ये नहीं, लेकिन वहाँ पे मैंने बताया था 8, जिसमें से 2-3 जो है डिवाइस के थे। और अभी रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर के अंदर जाता हूँ, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी देखो वो बता रहा है कि ओपेरा डालना है या फायरफॉक्स डालना है, तो उसने टिक मार्क बाय डिफॉल्ट कर लिया है, मुझे वो सब इंस्टॉल नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वो सब टिक मार्क्स को हटा देता हूँ, मतलब कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं डालनी है, मुझे डालना है खाली एक ही ड्राइवर। तो अभी ड्राइवर में मैंने एक ही टिक करके रखा है और इंस्टॉल ऑटोमेटिकली कर दिया। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये डिवाइस जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना चालू हो गया। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि जो HDA मॉडेम है जो उसमें एक ही टास्क है, अब तक कुछ भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है ऐसा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। सो जैसे ही इसको थोड़ा सा टाइम जाएगा और ये पूरी तरह से इंस्टॉल कर लेगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइवर रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा ना वो इश्यू हो जाता है। कैसे देखोगे, माय कंप्यूटर राइट लिंक मैनेज, यहाँ पे देखता हूँ कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा है। माय कंप्यूटर राइट लिंक मैनेज में जाके आप डिवाइस ड्राइवर्स में जाके देख लीजिए, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाएगा, सभी के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सभी के ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल दिखाएंगे। तो ये एक आसान सा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप कोई भी टास्क आराम से कर सकते हो। सो गाइस आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, सो ये मैंने बनाया है। थैंक्स फॉर लिसनिंग,
अब इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और आगे शेयर करते रहिए। देखो अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है, इसमें पांच टास्क मिले, वो इंस्टॉल कर देगा और मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग, आई होप मेरे वीडियो आप इसी तरह से शेयर करते रहो। ओके okay?